ब्राजील की एक स्थानीय फुटबॉल टीम को लेकर जा रहा एक विमान कोलंबिया के मेडलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते क्रैश हो गया। विमान में 72 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। विमान ने कोलंबिया के जोस मारिया कॉर्डोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और ला यूनियन की घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे राहत और बचाव दल के लोगों ने विमान के जरिए शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। अभी तक 25 लोगों की बॉडी रिकवर की जा चुकी है, वहीं 5 लोगों को जिंदा बचा लेने की खबर है। ब्राजील की शेपे कोएंसो फुटबॉल टीम को कल एटलेटिको नेशनल के खिलाफ 2 चरण का कोपा सुडामेरिकाना फाइनल का पहला चरण खेलना था। स्थानीय रेडियो के अनुसार इसी विमान से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम इस महीने की शुरुआत में एक मैच के लिए ब्राजील आई थी। टीम के फेसबुक पेज पर डाले गए वीडियो में दिखाया गया कि कल टीम साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रवानगी की तैयारी में है। इस टीम ने 70 के दशक के बाद पहली बार 2014 में ब्राजील के प्रथम श्रेणी फुटबॉल में पदार्पण किया। पिछले सप्ताह ही टीम कोपा सुडामेरिकाना फाइनल्स में पहुंची थी, जो यूएफा यूरोपा लीग टूर्नामेंट के समकक्ष है। विमानन अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटिश एयरोस्पेस 146 विमान ने विद्युत तंत्र में खराबी के कारण कल रात 10 बजे आपात स्थिति की घोषणा की थी। हादसे के पीछे खराब मौसम और विमान के फ्यूल खत्म हो जाने की भी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल विमान हादसे के बाद मौत का मातम पसरा हुआ है, तो वही अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने फुटबॉल टूर्नामेंट को निलंबित कर दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।